उरला पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर की सूचना पर पिस्टल बेचने के लिए ग्राहक तलाशते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एएसपी विजय अग्रवाल ने बताया, मुखबिर से सूचना मिली कि बीर गांव में दो युवक पिस्टल बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने उरला पुलिस टीम के साथ मिलकर मुखबिर द्वारा बताए हुए हुलिये व स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी कर दोनों युवक को धर दबोचा। पूछताछ में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक नग पिस्टल व तीन नग जिंदा कारतूस बरामद किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे पिस्टल और कारतूस बेचने के उद्देश्य से घूम रहे थे। मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना है। सर्वप्रथम थाना उरला क्षेत्र अंतर्गत दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 7.65 एमएम की एक पिस्टल बरामद की गई है और साथ ही तीन कार्ट्रिज बरामद किए गए हैं। ये व्यक्ति इसे 50,000 या उससे ऊपर कीमत में बेचने के लिए रखे थे। उत्तर प्रदेश का एक परिचित इनको ये पिस्टल और कारतूस दिया हुआ था और ये ग्राहक की फिराक में थे। इसी दौरान क्राइम ब्रांच को सूचना मिली और क्राइम ब्रांच द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया और पिस्टल की जब्ती की गई। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। क्लिपर 28।